Assalamu alaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. And in our previous video, we have learned about atlas, two atlas. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर टू जो एटलस थे हमारे उसके बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर से एक जो था हमारा एटलस वो था फोर प्रोविंसेस थे. ठीक है, मैंने आप लोगों को उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया था कि हमारे जो फोर प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से डायरेक्शन के अंदर होते हैं. मैं डायरेक्शन इस वाले वीडियो के अंदर भी बता दूँगी. अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर जो है हम उसके अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले वाले एटलस के अंदर, वो था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर था. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव फोर प्रोविंसेस बनाने थे. फोर प्रोविंसेस की डायरेक्शन तक मैंने आप लोगों को बताई थी, बाउंड्री लाइंस बताई थी, और हमारे पड़ोसी मुल्क जो थे उनके बारे में बता दिया था कि किस सूबे के साथ कौन कौन सा पड़ोसी मुल्क यानी कि नेबर कंट्रीज़ जो थी हमारी वो कौन कौन सी थी. ठीक है, तो अब और दूसरे एटलस के अंदर मैंने आप लोगों को पाकिस्तान के फिज़िकल फोर प्रोविंसेस के फिज़िकल कंडीशन के बारे में बताया था. ठीक, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है दो एटलस और पढ़ाऊंगी. ठीक है, एक जो एटलस होगा हमारा वो होगा क्लाइमेट के ऊपर होगा. चलें हम अपने पहले एटलस को देखते हैं जो कि हमारा क्लाइमेट के ऊपर है. मैं आपको फोर प्रोविंसेस बताऊंगी, इसके डायरेक्शंस बता दूंगी, अगेन मैं आप लोगों को इसके नेबरहुड्स बता दूंगी ताकि आप लोगों को ये रिपीट रहे, ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा रिपीटेशन होता है किसी चीज़ के अंदर वो उतनी ज़्यादा अच्छे से याद रहती है. तो और फिर क्लाइमेट बताऊँगी कौन कौन से कलर्स जो एटलस के अंदर डार्क और जो लाइट कलर्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और वो कौन से एटलस के ऊपर बेस करते हैं. ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा एटलस है ये है पाकिस्तान क्लाइमेट के ऊपर. ठीक है, साइड में लिखा हुआ है, देखें. अब देखें यहाँ पर हमें डायरेक्शन सीन है, वेस्ट दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है, ईस्ट दिया हुआ है और साउथ दिया हुआ है. ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्शंस बताती हूँ. ठीक है, देखें बांग्लादेश कहाँ, बलूचिस्तान कहाँ पर है, हमारे वेस्ट साइड पर है क्योंकि वो इस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है. ठीक है, सिंध कहाँ पर है, हमारे ईस्ट की तरफ है. ठीक है, और पंजाब कहाँ पर, पंजाब भी ईस्ट की तरफ लगता है क्योंकि इंडिया भी ईस्ट की तरफ है. देखें, ठीक, अफगानिस्तान और हमारा जो ये है क्वेटा वगैरह कौन सी साइड पे पड़ते हैं, वेस्ट साइड पे पड़ते हैं हमारे. और नॉर्थ की तरफ कौन है, हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ है. नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, जम्मू कश्मीर आता है, गिलगित बलूचिस्तान आता है, गिलगित बल्तिस्तान आता है, ठीक है, इस्लामाबाद आता है. ठीक, खैबर पख्तूनख्वा कहाँ पर लगता है, ये कुछ नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी लगता है और कुछ जो है वेस्ट साइड पर भी लगता है क्योंकि इसकी दो डायरेक्शन से, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है. ठीक, अब देखें, अच्छा अब देखें यहाँ पर है लाइट कलर. ठीक है, ये समंदर का सी है, अर्बन सी. अर्बन सी मींस देखें कराची, कराची पोर्ट का जो सी लगता है वो कौन सा लगता है, अर्बन सी पोर्ट लगता है. ठीक है, और ये है जो सी है हमारा, जो यानी कि पाकिस्तान का जो सी है वो अर्बन सी है. ठीक, और अर्बन सी के अंदर दो पोर्ट्स हैं हमारे, एक गवादर पोर्ट जो तामीर हो रहा है अभी और दूसरा है कराची पोर्ट. ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट की. अच्छा अब ये देखिए जो येलो कलर है ये जो है वो गर्मी का है. ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर गर्मी यानी कि सर्दियों के मौसम के अंदर यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती. अच्छा अब ये देखें कि ये जो है एरियाज़ जो हैं जहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती वो येलो कलर से फिल किए गए हैं. ठीक है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है. ठीक, जहाँ हल्का लाइट कलर दिया गया है येलो का वहाँ क्या होता है, हल्की सर्दी और यानी कि ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी कम होती है. ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ज़्यादा नीला रंग जो दिया हुआ है, डार्क ब्लू कलर जो दिया है हमें, वहाँ पर क्या होता है ज़्यादा बर्फ़बारी होती है. इट मीन्स कि वहाँ पर गर्मी नहीं होती, बर्फ़बारी होती है. ठीक है, वहाँ पर बर्फीले पहाड़ हैं, जैसे क्वेटा देखें, नीम क्वेटा, क्वेटा के अंदर क्या है बर्फ़बारी पड़ती है तो इसीलिए डार्क नीला कलर है. इसी तरह देखें कुछ इलाकों के अंदर हमारे
लाइट कलर दिया है, लाइट ग्रीन टाइप का कलर दिया है। सो ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर भी हमारा जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी नहीं पड़ती। इसी तरीके का लाइट येलो कलर यानी कि लाइट ब्राउन कलर दिया है। यहाँ पर है हमारे, ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे जो सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर भी क्या है हमारे सर्दी कम ज़्यादा यानी कि सर्दी भी पड़ती है, गर्मी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है यानी कि कम होती है, सर्दी भी पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी कम होती है। पेशावर का एरिया जो है यहाँ पर हमारे कोहत जो है हमारे कोहत के करीब जो एरिया पड़ता है, हमारा प्राचीनगर का जो एरिया पड़ता है हमारा, वहाँ पर क्या होता है सर्दी ज़्यादा पड़ती है। इसी तरीके की ये देखें, ये जहाँ पे लाइट कलर्स हैं यहाँ पर सर्दी थोड़ी कम पड़ती है, गर्मी भी होती है पर सर्दी थोड़ी कम है। यहाँ डार्क नीले कलर के ऊपर, डार्क ब्लू कलर के अंदर जो है यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ जाता है, ठीक है। गिलगित के अंदर थोड़ी यानी कि हरियाली भी है और थोड़ी गर्मी भी पड़ती है और थोड़ी सर्दी भी पड़ती है गिलगित के कुछ इलाकों के अंदर, पर ज़्यादातर गिलगित का जो इलाका पड़ता है वहाँ पे क्या बर्फ़बारी होती है, तेज़ बर्फ़बारी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोवेंसेस कौन कौन से हैं। प्रोवेंसेस के अंदर जहाँ पे गर्मी पड़ती है, देखें बलूचिस्तान के अंदर शदीद गर्मी पड़ती है, ठीक है, सिंध के अंदर शदीद गर्मी पड़ती है, ठीक है, और कोयटा साइड पे बर्फ़बारी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरिए के अंदर गर्मी पड़ती है और कुछ के अंदर सर्दी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके का पंजाब के अंदर गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर के एरियों के अंदर कुछ के अंदर तेज़ सर्दी पड़ती है, कुछ के अंदर हल्की होती है, कुछ के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में ज़्यादातर क्या होती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है, बर्फ़ानी इलाका है वो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ इलाकों के अंदर गर्मी भी पड़ती है पर तेज़ गर्मी नहीं पड़ती है जैसे यहाँ पर पड़ती है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि गर्मी भी पड़ेगी और कुछ ज़्यादातर इलाकों के अंदर सर्दी होती है, ठीक। इसी के तरीके से हमारे जो क्लाइमेट वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान के क्लाइमेट्स के अंदर, मुख्तलिफ क्लाइमेट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे रेनफॉल भी होता है हमारे यहाँ, और क्लाइमेट्स जो हैं बर्फीले इलाके भी हैं पाकिस्तान के बाद, पहाड़ी इलाके भी, चट्टानी इलाके भी हैं, तो पाकिस्तान के पास हर तरीके का क्लाइमेट मौजूद है। अच्छा, अब जो हम चल रहे हैं वो रेनफॉल की तरफ चल रहे हैं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि आपको इसकी नॉलेज हो जाए, ठीक है। ये आप लोगों को करना तो नहीं है बट एटलीस्ट जो होता है वो एक तरीके की नॉलेज के लिए होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसकी नॉलेज हो जाए कि पाकिस्तान के कौन से इलाकों के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होता है और कौन से इलाकों के अंदर रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो अब हम विज़िट करते हैं, पहली जो चीज़ है हमारी, देखें हमें जो है, देखें हमें यहाँ पर जो है मिलीलीटर यानी कि बारिश की लेंथ यानी कि जो जितनी ज़्यादा बारिश होती है उसकी हमें मिकदार बताई हुई है, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो 1500 हो जाएगी। अच्छा, उससे कम यानी कि अगर कलर यूज़ किया गया है मैप के अंदर तो 1300 to 1500 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उससे लाइट कलर अगर हमने ब्लू, अगर मैप के अंदर लाइट यानी कि उससे लाइट ब्लू कलर है सो वो 1000 to 1300 हो जाएगी। अच्छा, उससे लाइट कलर है तो 7 to 1000 हो जाएगी, ठीक। और अगर उससे लाइट कलर यूज़ किया गया है मैप के अंदर तो 400 to 700 हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा लाइट कलर अगर बिल्कुल लाइट कलर यानी के आ रहे हैं तो वो 200 to 400 पे आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से देखें बारिश की जो वो है mm वो गिरते जा रहे हैं, ठीक है। जो मेजरमेंट है वो बारिश की, वो इन इलाकों की तरफ गिरती जा रही है जहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। अब हम मैप की तरफ मूव करते हैं। देखें आपको अगर
पूरा मैप अगर आप दूर से देखें तो आपको कहीं लाइट कलर्स नज़र आएंगे और कहीं जो है वो डार्क कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि डार्क कलर्स यानी कि कितने में मिलीलीटर बारिश का प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम शो करते हैं आपको, पहला तो देख लेते हैं हम कराची। कराची के अंदर लाइट कलर है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं, क्योंकि कराची के अंदर बारिशें कम होती हैं, सही होती है, ना ज़्यादा होती है, ना ज़्यादा होती हैं और ना कम होती हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होती हैं बारिशें। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, सिंध के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट कलर यूज़ किया गया है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बहुत कम बारिश होती है, सिर्फ एक इलाके के अंदर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम मूव आउट कर रहे हैं, देखें पंजाब की तरफ। पंजाब के कुछ इलाकों में जैसे रावलपिंडी वगैरह हो गए, भावलपुर वगैरह हो गए, मुल्तान हो गया, यहाँ पर जो है बारिशें बहुत कम होती है, ठीक है। पर पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर बारिशें ज़्यादा भी होती हैं, डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ कलर्स का, ठीक है। इसी तरह जो हमारा बलूचिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे ये आ गया, यहाँ पर क्या होती हैं बारिशें होती हैं। कोयटा, जिसके अंदर कोयटा भी आ गया, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, ठीक। खोल, यहाँ पर बारिशें हैं, ठीक है। बरखान के अंदर बारिशें ज़्यादा हैं, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं आप, डिफरेंशिएट कलर्स का जो डिफरेंशिएट चल रहा है, ठीक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिशें होती हैं, कम नहीं होती, बिल्कुल भी होती हैं। और देखें आप ये इनका बारिशों का जो चल रहा है, कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कुछ इलाकों में कम है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हैं, ठीक है। इस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल ही यानी कि वाइट है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, बारिशें बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बारिशें जो हैं, देखें इस एरिया के अंदर जो हैं बारिशें हो रही हैं, और इस एरिया के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ जो एरियाज पड़ रहे हैं जैसे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के अंदर ऐसी बारिश होती है, आप लोगों को भी मुजफ्फराबाद जैसे हो गया, इस्लामाबाद का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कैसी बारिशें होती हैं कि देखिए मुजफ्फराबाद का तो आधा इलाका है वो जो है बर्फ़बारी की उसमें जा रहा है, और आधा जो है वो शदीद बारिशों में। तो मतलब इस्लामाबाद का जो वेदर है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, जहाँ थोड़ी सी गर्मी पड़ी वहीं पर बारिशें हो जाती हैं। और यही हाल कुछ पंजाब का है कि ज़रा सी बारिशें होती हैं, और कुछ पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फौरन बारिश हो जाती है, जैसे लाहौर, देखें लाहौर के एरिया में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मियांवाली के उसमें ज़्यादा होती हैं, सियालकोट में बारिशें होती हैं, सही है, न्यू मीरपुर में होती हैं, ठीक है। पर यहाँ जो है मुजफ्फराबाद, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डार्क कलर यहाँ पर यूज़ हुआ है, इस्लामाबाद के एरिया के अंदर, मुजफ्फराबाद के एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्लाइमेट वाला सेक्शन भी ख़त्म हो चुका है, कि इस यानी कि इसके इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन से एटलस पढ़े हैं। अपना एक क्लाइमेट वाला एटलस पढ़ा है, और दूसरा जो है हमारा वो जो है हमने अपना रेनफॉल का एटलस पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आ गया होगा, और जो ये आपको एरियाज भी दिख रहे हैं कि ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, चाइना, ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है। डायरेक्शंस यहाँ पे दी गई हैं हमें एटलस के अंदर। अगर आपके पास एटलस की बुक नहीं है तो काइंडली एटलस की बुक परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। आप जब स्कूल में आएंगे तब मैं इसको मज़ीद आप लोगों को और एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि एटलस वीडियो के थ्रू नहीं समझाया जा सकता इतनी अच्छी तरीके से जितना अच्छा मैं आपको सामने समझा सकती हूँ अपने, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करेंगे फिर उसके जवाब मैं आपको दूँगी, क्योंकि वीडियो के अंदर ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं और ना ही मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। वो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमारी बहुत लिमिटेड बात होती है, लिमिटेड टाइम होता है, और बहुत सारे बच्चों के पास नेट प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम फौरन ऑनलाइन नहीं हो पा रहे होते, ठीक है।
बट उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा. और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट एटलस के साथ मिलेंगे. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़.